दोस्तों, इस वक्त भारत की तरक्की को देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने तर्क से ऐसे दो तीर निकाले कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। सबसे पहले की वीडियो देखी है मोदी साहब की, वो कहते हैं कि पाकिस्तान वालों लड़ना है, आओ मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ, लड़ना चाहते हो तो आओ लड़े। देखते हैं कि पहले गुर्बत तुम खत्म करते हो या हम। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो पाकिस्तानी वहां पे जाके ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं। दोस्तों, राजनाथ सिंह के पहले तीर ने ही पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। भारत सरकार ने 928 डिफेंस आइटम के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया और ये सभी डिफेंस आइटम मेक इन इंडिया के तहत अब भारत में बनेगी और ये हथियारों को भारत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करेगा। ये खबर सुनकर पूरा पाकिस्तान हिल गया। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 1000 डिफेंस आइटम की इंपोर्ट पर बैन लगाया है और इंडिया बहुत तेजी से डिफेंस के हवाले से सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की पब्लिक को, पाकिस्तानी अदारों को हमेशा से शौक रहा है खास तौर पे डिफेंस के मामले में इंडिया से मुकाबला करने का। आज 2023 में हम डिफेंस की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से किस पोजीशन पे खड़े हैं और हमारा नेबर कंट्री इंडिया डिफेंस की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से किस पोजीशन पे खड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एक तरफ देखो भारत इस वक्त हथियार बनाकर पूरी दुनिया को बेच रहा है, वहीं भारत के साथ ही हम भी आजाद हुए थे लेकिन इस वक्त हमें कर्जा चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों, राजनाथ सिंह ने दूसरा बड़ा ऐलान किया कि भारत की आजादी के 100 साल बाद यानी कि 2047 में भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। 2047 में भारत अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़कर सुपर पावर बन जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, अपना तेजस एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, दूसरे हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। 1947 एक वो साल जिसमें इंडिया को आजादी मिली और पाकिस्तान बना। 46वां साल है पाकिस्तान को बने और इंडिया को आजाद हुए, लेकिन आज भी हम IMF से लोन ले रहे हैं, आज भी हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, आज हम जो है पूरी दुनिया में भिकमंगे मुल्क के नाम पर मशहूर हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जो ताजा तरीन खबर इंडिया से ये आई है कि राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 2027 को हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी पर होंगे, मतलब नंबर 1 इकोनॉमी बनने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।